तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग इसमें दो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो आपको पता है कि हैलोजन एसिड क्या होता है। तो जब भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्लीवेज किसका होता है, CO बॉन्ड का। यहाँ पर क्लीवेज किसका होता है, CO बॉन्ड का। इथर में कितना CO बॉन्ड है, इथर में, इथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है ना। तो CO बॉन्ड कौन सा है, CO बॉन्ड ये भी है या ये भी है, दोनों CO बॉन्ड ही है। तो यहाँ पर CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, अगर हम बात करें इथर की रिएक्शन की, तो इथर जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। इथर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इथर जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इथर को अगर रिएक्शन करवाना है तो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करवाना पड़ेगा। इथर का रिएक्शन कैसे करवाना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन। ये ड्रास्टिक कंडीशन क्या होता है, अगर हम जो इथर का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जिस रिएजेंट से, उसको अगर एक्सेस अमाउंट में ले लें, या हम हाई टेम्परेचर ले लें, या कंसनट्रेटेड रिएक्टेंट ले लें, तो ही रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम इथर का रिएक्शन किससे करवाते हैं, हैलोजन एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड। इथर्स रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड टू गिव्स अल्काइल हैलाइड, टू गिव अल्काइल हैलाइड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। और साथ में अल्कोहल भी बनता है, साथ में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, एंड अल्कोहल्स। तो देखिएगा आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल कैसे बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेने जा रहे हैं, एक इथर लेने जा रहे हैं, और इथर का रिएक्शन किससे होगा, हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड को कैसे नोट करते हैं, HX, HX क्या हो सकता है, HCl, HBr और HI, पढ़े ना आप लोग। तो होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन अगर हम करवाएं, तो यहाँ पर हम क्या बताएं, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा। तो कहीं से भी तोड़ दीजिए CO बॉन्ड, हम यहाँ से तोड़ दिए CO बॉन्ड। तो अब क्या होगा, ये जो R है ना, O के साथ क्या लग जाएगा, H, हमेशा O के साथ कौन लगता है, H लग जाएगा, और R के साथ क्या लग जाएगा, हैलोजन। तो क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, O के साथ क्या लग जाएगा, HX का हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जब होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, ये रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा। अगर HCl ले, HBr ले, HI ले, तो ये सारा कंसनट्रेटेड लेना होगा। और अगर हम हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी देखें, तो HCl से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HBr, और HBr से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI। तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होता है जी, हम बताए थे हैलोजन सोल्यूशंस में कि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, क्योंकि हैलोजन एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो रिएक्टिविटी बढ़ता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, HI या HBr लेना होगा, तो कंसनट्रेटेड HI लेना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड HBr लेना पड़ेगा। और अगर कंसनट्रेटेड नहीं ले, थोड़ा कम ले, कमज़ोर ले, तो ऐसे केस में वो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट हम अगर हम हैलोजन एसिड क्या ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड, या इसका हम अमाउंट एक्सेस क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ से टूटेगा, एक्स लग गया अल्काइल ग्रुप के साथ, तो क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, प्लस दूसरा क्या बनेगा, अभी हमने बनाया अल्कोहल बनेगा। अब देखो, अब जो अल्कोहल बना है ना, अल्कोहल जो बना है ना, ये अल्कोहल क्या करेगा, फिर से HX से रिएक्शन करेगा। फिर से रिएक्शन क्यों कर रहा है,
क्योंकि हमने ये अमाउंट क्या लिया है एक्सेस, ये खत्म ही नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये बना, अब ये बना तो इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं, हेलोजन एसिड रिएक्शन किसे करेगा, अल्कोहल से। और आप लोग पढ़े हैं ना, आपका जो ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला रिएक्शन क्लास 12 में यही है, अल्कोहल से हेलोजन एसिड का रिएक्शन। तो क्या बनेगा, OH हट जाएगा और कौन आ जाएगा इसके वजह पे, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अल्काइल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर कितना अल्काइल हैलाइड बना, दो मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, है कि नहीं। और अल्कोहल जो बना था वो ख़त्म हो गया, किससे रिएक्शन कर गया, HX से। तो याद रहा कि यहाँ पर जो अगर एक्सेस मात्रा हम ले लेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जो अल्कोहल बन रहा था वो फिर से हेलोजन एसिड जो बचा था उससे रिएक्शन कर गया, और अल्कोहल और हेलोजन एसिड का रिएक्शन से क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। ये आपका पहला रिएक्शन था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का। अब अगर हम बोले कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो अब तो यहाँ पे हम मान के चले थे दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। अगर हम बोले दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दूसरा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है और हेलोजन एसिड से रिएक्शन करता है, तब का सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगा। अब हम जरूरी नहीं है कि एच इस, अब देखना होगा कि क्लीवेज कहाँ से होगा। अब यहाँ पर क्लीवेज कहाँ से होगा वो डिसाइड करेगा कौन, रिएक्शन। हमें यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, जब दोनों सिमेट्रिकल था, कहीं से भी तोड़े, इधर से तोड़े इधर से तोड़े, एक के साथ हैलोजन लगा दिए, एक के साथ एच, ऑक्सीजन के साथ एच लगा दिए, अल्काइल हैलाइड बनता था और अल्कोहल बनता था। लेकिन इस बार समस्या थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इस बार जो कंडीशन है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। हो सकता है इधर से भी टूट जाए, हो सकता है इधर भी टूट जाए, उसके लिए कुछ नियम कानून है। अब हम लोग ऐसे रिएक्शन के लिए कुछ नियम कानून पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किधर से तोड़ना है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन किस। अब ये वाला आर के साथ हैलोजन बनेगा कि ये वाला आर के साथ अल्कोहल बनेगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल बनेगा या ये वाला अल्काइल ग्रुप के साथ अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये हम बता नहीं सकते। इसके लिए कुछ हमें जानकारी लेना होगा, हमें क्या लेना होगा, जानकारी लेना होगा। तो चलिए अब हम अनसिमेट्रिकल इथर का अगर हैलोजन एसिड से रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, देखो। तो अगर अल्काइल हैलाइड, सॉरी, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी हो, एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो अल्काइल हैलाइड जब भी बनेगा छोटा वाला पार्ट से बनेगा। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी और सेकेंडरी देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम लोअर अल्काइल ग्रुप। देखिए आप लोग, यहाँ पर दो कंडीशन होगा, पहला हम कंडीशन बताने जा रहे हैं अभी। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर हमारा इथर में जो अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप प्राइमरी है, ये वाला ग्रुप प्राइमरी है, देखिए ये वाला ग्रुप है ना प्राइमरी ग्रुप है। और अगर हम इसका रिएक्शन किससे करवा दें, हैलोजन एसिड से करवा दें, तो क्या होगा यहाँ पर कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हेन अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी और सेकेंडरी देन अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड फ्रॉम लोअर अल्काइल ग्रुप,
तो अल्काइल हैलाइड किससे बनेगा? लोअर अल्काइल ग्रुप। तो लोअर अल्काइल ग्रुप कौन है? यहाँ दो कार्बन या एक कार्बन, कौन सा? ये लोअर अल्काइल ग्रुप है CH3। तो इसी से क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। तो टूटेगा कहाँ से बॉन्ड? यहीं से टूटेगा, क्योंकि यहाँ से टूटा O के साथ क्या लग गया? H। और यहाँ के साथ क्या लग जाएगा? हैलोजन। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? CH3I। छोटा वाला से बन गया अल्काइल हैलाइड और बड़ा वाला पार्ट से क्या बन गया? अल्कोहल। क्लियर है बात? अब हम एक और देखते हैं, CH3OCH CH3 CH3 HI। अब बताओ जरा सा क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पर कैसा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जरा देखो तो, यहाँ पर कैसा अल्काइल ग्रुप है? यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप है, देखिए ये अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। अब सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? तो हम क्या बताते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगा? छोटा वाला से बनेगा। तो जिधर से अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो छोटा वाला से ना बनेगा अल्काइल हैलाइड, तो उधर ही तोड़ देंगे। और क्या होगा रिएक्शन? CH3I प्लस बड़ा वाला पार्ट से क्या बनेगा? अल्कोहल। तो कैसे लिखेंगे? CH3CHO के साथ क्या लगेगा? H। और यहाँ नीचे CH3 लगा हुआ है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये जो रिएक्शन होगा ना, कैसे होगा पता है? SN2 रिएक्शन होगा। छोटा वाला पार्ट से बनने का कारण है, छोटा वाला पार्ट से बनने का कारण है कि यहाँ पर जो हैलोजन है, आयोडाइड है ना, ये किसके तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो यहाँ पर कैसा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा हो रहा है रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक, वो भी कैसा? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? ये जो आयोडाइड आयन है या जो हैलाइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और ये कैसे अटैक करेगा? ये SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। यानी SN2 मैकेनिज्म में याद है ना क्या तरीका था? 1 डिग्री, सॉरी सबसे रेट कम 3 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री है, उससे ज़्यादा 1 डिग्री। तो जहाँ छोटा वाला मिलेगा उधर से पीछे से अटैक कर देगा। देखो यहाँ से आएगा, हैलोजन से रिएक्शन हो रहा है तो आयोडाइड आयन क्या आएगा? यहाँ चुपके से पीछे से आएगा, अटैक कर देगा। तो पीछे से जो अटैक करता था वो कौन सा था? SN2। तो हैलाइड आयन इसी तरह पीछे से आएगा और अटैक कर देगा, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है हैलाइड आयन। तो चाहे पहला वाला मेथड हो चाहे दूसरा मेथड, हर बार हैलोजन एसिड में हैलोजन ग्रुप किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इसका हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब अगर एक अल्काइल ग्रुप क्या हो? टर्शरी हो। व्हेन वन अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी। टर्शरी का स्पेलिंग क्या था? IER भाई था। When one alkyl group is tertiary, then alkyl halide is formed from tertiary alkyl group. तो बात एकदम स्पष्ट है, अगर एक अल्काइल ग्रुप उसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अल्काइल हैलाइड किससे बनेगा? टर्शरी वाला से ही बनेगा। तो देखिए हम बनाने का एग्जांपल दे रहे हैं आपको, CH3 CH3 CH3, टर्शरी ग्रुप होता है। तो अगर इथर में क्या प्रेजेंट हो? कैसा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो? 3 डिग्री वाला। और इस इथर का रिएक्शन किससे करवा दें? हैलोजन एसिड से। तो अभी हम बोले थे कि आप बताए थे सर कि लोअर पार्ट से क्या होगा? हैलोजन जुड़ जाएगा। लेकिन जब टर्शरी वाला, ऐसा कब करना है? जब प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप हो। लेकिन जब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? अगर टर्शरी ग्रुप हो गया तो तोड़ेंगे कहाँ से? बड़ा वाला से, यानी टर्शरी ग्रुप से तोड़ेंगे, ठीक है? अब ऐसा क्यों रहा है हम बताएंगे। सब कुछ जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से।
तो यहाँ पर क्या हो गया CH3 I, और यहाँ से उठेगा तो ओ इसके साथ, ओ के साथ क्या लग जाएगा H लग जाएगा, तो यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे कि आयोडाइड आयन जो था, हैलाइड आयन था, वो किसके तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल, और जहाँ दिख गया टर्शियरी, तो टर्शियरी में क्या कंडीशन होता है, SN1 मैकेनिज्म शो करता है, कैसा रिएक्शन शो करता है, SN1 मैकेनिज्म शो करता है। SN1 मैकेनिज्म के बारे में बता दें कि 1 डिग्री से ज़्यादा फास्टर 2 डिग्री, 2 डिग्री ज़्यादा फास्टर 3 डिग्री, तो जहाँ पर भी 3 डिग्री दिख जाएगा तो कौन सा मैकेनिज्म से अटैक करेगा, SN1, और SN1 कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। SN1 कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या बना, पहला स्टेप में ये टूटा, तो पहला स्टेप में क्या बना था, कार्बोकैटायन। पहला स्टेप में क्या बना था, यहाँ से जो टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, बहुत ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, बहुत ही स्टेबल, और यहाँ पर क्या होगा, आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा आसानी से। तो पहला स्टेप में क्या बना, इससे यहाँ से टूटा तो कार्बोकैटायन बना। तो पहला स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन में, आपको याद होगा पहला स्टेप स्लो होता है, और जब दूसरा स्टेप जो होता है अटैक करता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो याद रखना चाहिए आपको, तो मेन रिएक्शन आपका यहीं तक है। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होता है, और SN1 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। तो यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे। तो ये था रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, इस पे आगे चल के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। तो अब जल्दी से चलते हैं हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले वाला जो हम रिएक्शन किए थे हैलोजन एसिड, वो कैसा रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन किसका होगा, इथर का। इथर का रिएक्शन किससे होगा, तो इथर का रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके लिए पढ़ेंगे, फिनाइल इथर के लिए। यहाँ पर कैसा ग्रुप लगा होना चाहिए, एक फिनाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, यानी एराइल इथर के लिए। इससे हम क्या कहेंगे, फिनाइल इथर या तो एराइल इथर, इसे आप फिनाइल इथर कहिए या एराइल इथर कहिए, जो आपका मन है वो कहिए, फिनाइल इथर या एराइल इथर। तो इथर में ऑक्सीजन है ना, लोन पेयर है ना दो, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस तो नहीं कर सकता है, और इस तरह से जिस तरह हम अल्काइल एराइल हैलाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, फेनोल का बनाए थे, फेनोक्साइड आयन का रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, इसका भी उसी तरह 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप, इसमें हम लोग कौन सा ग्रुप कर रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप OR ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इसका नाम है कौन सा ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, याद रखिए इसका नाम क्या है, अल्कोक्सी ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है ना। तो जहाँ भी पहला आइटम पे लोन पेयर होगा वो कैसा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अल्कोक्सी ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पार एक्टिव ग्रुप होता है। तो अल्कोक्सी ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर हम इसका लास्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ऑर्थो पे क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जब रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव। अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा ना बनेगा जी, OR स्लाइड पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ यहाँ और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव, तो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, ऑर्थो पे या पारा पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसके वजह से,
ओआर के बच्चे अल्कोक्सी ग्रुप है। अल्कोक्सी ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैलोजिनेशन, अल्कोक्स इथर का क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करवाएंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, हैलोजिनेशन। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, जब हम हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजिनेशन कहेंगे उसे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम एक इथर लेते हैं और इस इथर का नाम बताना है आप लोग को, कौन सा इथर है ये, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप। ओ सी एच थ्री को क्या कहते हैं हम लोग, मिथॉक्सी ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हैलोजिनेशन कैसे करवाएंगे, बी आर टू ले लिए और यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिए, कौन सा सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड ले लिए, इथेनोइक एसिड सॉल्वेंट ले लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ पे एक निकलेगा और एक जाएगा। तो ऑर्थो पोजिशंस में क्या है, हाइड्रोजन है, पारा पोजिशन में भी हाइड्रोजन है, हर जगह एक हाइड्रोजन है। तो लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पे, तो पारा पे, तो कुछ ना कुछ निकलेगा तभी ना आएगा। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ पर एक बी आर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, बी आर प्लस होगा, एक H प्लस निकलेगा, बी आर प्लस आएगा, ठीक है। और वो क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला जो है डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा देगा। तो कैसे होगा रिएक्शन जरा देखिए, तो दो प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला एक पारा वाला। तो ओ सी एच थ्री लगा रहेगा यहाँ पर, एक पे बी आर प्लस ऑर्थो पर अटैक किया और एक पारा पे। अच्छा इसका आप लोग नाम बताओ, तो ये जो कौन सा कंपाउंड है, पहला वाला कंपाउंड कौन सा है, इसको क्या कह सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको हम लोग एनिसोल भी कहते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन का क्या नाम है, कॉमन नेम एनिसोल, एनिसोल को भी रूप में यूज कर सकते हैं। और एक बना ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और दूसरा बना पारा ब्रोमो एनिसोल। और ये माइनर होगा ना, हमेशा की तरह ऑर्थो माइनर होता है और मेजर होता है, बस एक केस में दिखाए थे पी नाइट्रो और ओ नाइट्रोफेनोल में, ओ नाइट्रोफेनोल मेजर हो जाता है इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग के चलते। तो यहाँ पर जो पारा आइसोमर है ये 90% इसका यील्ड होता है, 90% अमाउंट क्या बनेगा, पारा आइसोमर बनेगा। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी यही कहानी होता है, बस नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ हमें चाहिए होता है नाइट्रिक एसिड, और किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, याद रहना चाहिए आपको। तो जब भी नाइट्रेशन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, एक अटैक कर जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पे NO2, और एक NO2 कहाँ अटैक करेगा, पारा पे। तो मेजर कौन होगा, पारा वाला हमेशा की तरह, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा। एनिसोल है, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पारा नाइट्रो एनिसोल। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है फ्लोराइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्लोराइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक हम इथर लेते हैं एनिसोल, याद रखिएगा इसका नाम एनिसोल, और इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे,
अल्काइलेशन करवाना है तो अल्काइल हैलाइड से, किससे रिएक्शन करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड क्या लिए CH3Cl, और यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा अनहाइड्रस AlCl3 एलुमिनियम क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3+, कौन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल CH3+, और प्लस पॉजिटिव चार्ज किस में, हाइड्रोजन में या कार्बन में, कार्बन में, कार्बन की तरफ से अटैक करेगा, ये ओवरऑल कार्बन पे चार्ज है, ओवरऑल दिखाए हैं लेकिन चार्ज इस पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है किस पे, कार्बन पे, तो कार्बन के द्वारा अटैक करेगा, तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पारा पे, एक ऑर्थो पे और दूसरा पारा पे, तो माइनर येट होगा और पारा वाला हमेशा क्या होगा, मेजर होगा। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बेंजीन में CH3 लगा होता है उसको हम लोग टॉलिन कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑर्थोमिथॉक्सी टॉलिन, ऑर्थोमिथॉक्सी टॉलिन, क्योंकि CH3 आ गया ना, CH3 ग्रुप आ जाने से उसका नाम क्या होता है टॉलिन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पी मिथॉक्सी टॉलिन या 4-मिथॉक्सी टॉलिन। और जो लास्ट रिएक्शन है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, या इसको एसाइलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहिए या एसाइलेशन कहिए, तो रिएक्शन सब कुछ उसी तरह होता है, एनिसोल लिए और यहाँ पर क्या लेना होगा एसिटाइल क्लोराइड, क्या लेना पड़ेगा एसिटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, एसिटाइल क्लोराइड देख लीजिए ऐसा होता है CH3COCl, इसको C डबल बॉन्ड ना लेकर के CO भी लिख देगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना ये कौन सा ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप क्या है एसिटाइल ग्रुप, और यही ग्रुप आकर अटैक करेगा, जैसे यहाँ पर CH3 अटैक किया तो यहाँ क्लोराइड लगा है, एसिटाइल की जगह पर हम इसको एसाइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एसिटाइल क्लोराइड कहिए चाहे इसको आप एसाइल क्लोराइड दो जो आपको मन है वो कर सकते हैं। और कैटलिस्ट जब भी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड हम लेंगे ही, तो यहाँ पर अटैक कौन करेगा एसिटाइल ग्रुप, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है एसिटाइल ग्रुप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और कार्बन द्वारा ही अटैक होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बनेगा दो, एक तो हमारा बनेगा ऑर्थो पे, कौन अटैक करेगा CO ग्रुप अटैक करेगा, CO के साथ क्या लगा हुआ है CH3, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पारा वाला, पारा पे कौन अटैक करेगा कार्बन, कार्बन से क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन और CH3, तो ये हमारा माइनर और पारा वाला हमेशा क्या होगा मेजर, नाम लिखने का कोशिश कर सकते हैं आप लोग। तो हम क्या बताए थे, ये कीटोन है ना और दो कार्बन है और यहाँ फिनाइल ग्रुप, तो एसिटोफेनोन नाम हो जाएगा 1,2,2-मिथॉक्सी, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन और उसका क्या होगा 4-मिथॉक्सी एसिटोफेनोन। CO ग्रुप है ना, इसको यहाँ देखना, ये वाला ग्रुप देखना है CO ग्रुप है ना, नाम अगर हम लिखेंगे CO ग्रुप देखना है, CO ग्रुप में एक दो कार्बन है ना एसीटो और फेनाइल है तो फेन, और कीटोन ग्रुप है तो ओन एसीटोफिनोन, तो देख लो यहाँ पर CO ग्रुप है ना, CO में अगर दोनों तरफ क्या लग जाए CH3 CH3, तो क्या इसका नाम होता है कॉमन नेम एसीटोन, CH3 CO, बस यहाँ CH3 हटा करके क्या कर दिए ये लगा दिए ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटोफेनोन, तो वही चीज़ें देख लीजिए CH3CO के साथ एक रिंग है तो एसिटोफेनोन हो गया,
और दो नंबर पे क्या है, 1, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और वहाँ पे 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन हमारा नाम होगा। तो आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ इथर समाप्त हुआ, एक रिएक्शन छूट गया था रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड का। हम लोग 1 डिग्री सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे, टर्शियरी वाला ग्रुप का रिएक्शन करवाए थे, अब फेनोलिक इथर का हम रिएक्शन ही नहीं करवाए थे, तो एक रिएक्शन छूट गया था हमारा, तो अब हम वो एक रिएक्शन करेंगे। तो हमारा जो तीसरा रिएक्शन था हैलोजन एसिड में, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड में जो तीसरा रिएक्शन था वो था कि जब इथर कैसा हो, एराइल इथर हो या फिनाइल इथर हो, और उसका रिएक्शन हैलोजन एसिड से होगा तो क्या होगा। तो अभी आप देखें कि ये वाला जो बॉन्ड था वो कैसा बॉन्ड था, पार्शियल डबल बॉन्ड था ना। ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड कैसा है, वो पार्शियल बॉन्ड था ना। अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखे, रेजोनेंस हाइब्रिड में देखे, तो यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड है, तो ये एक तरह का कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो यहाँ से कभी भी बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब भी टूटेगा कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, और जहाँ से टूटेगा उधर वाला कार्बन क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड, क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड बनाएगा कार्बन, ये वाला कि ये वाला, छोटा वाला CH3I अल्काइल हैलाइड बनेगा। और ये ऑक्सीजन किसके साथ है, फिनाइल के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फेनोल। तो एक के साथ तो अल्कोहल बनता ही है, तो अल्कोहल किसके साथ बना, फेनोल के साथ। तो यही रिएक्शन था, और अब बता दिए तो ज़्यादा सही है। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड का छूट गया था, पढ़े थे ना इससे पहले, इलेक्ट्रोफिलिसिस से पहले क्या पढ़े थे, दो वो पढ़े थे ना, उसमें तीसरा वाला छूट गया था, अभी नहीं पढ़े थे जी, उसको होंसे नहीं है कुछ, अभी हम पढ़े थे ना जी, बीच में तोड़ रहे थे और जोड़ रहे थे, छोटा वाला था प्राइमरी सेकेंडरी था तो छोटा वाला सल्काइल हैलाइड बनाया, टर्शियरी वाला था तो टर्शियरी वाला सल्काइल हैलाइड बना दिए। अब अगर फिनाइल इथर होगा तो क्या करेंगे, तो फिनाइल वाला में ऐसा नहीं कि यहाँ से तोड़ देंगे, जब भी टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इथर्स विद HI। तो हम यहाँ पर इथर तीन क्वेश्चन दिया हुआ है और सबका रिएक्शन किससे करवाएंगे, HI के साथ। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब हम इथर को देखते हैं यहाँ पर, तो इथर में आपको देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप कौन सा अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो ये वाला ग्रुप अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन ये हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो हम क्या देखेंगे, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो छोटा वाला पार्ट से क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो जिससे अल्काइल हैलाइड बनेगा वहीं पर हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, एक अल्कोहल बनेगा और छोटा वाला पार्ट से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो छोटा वाला पार्ट से क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, आई इसके साथ लगा लिए, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो पीछे से यहाँ से लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3 CH2, ओ के साथ क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। तो एक अल्काइल हैलाइड है, दूसरा अल्कोहल, तो काफ़ी सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो एक प्राइमरी है दूसरा टर्शियरी, तो मेनली हमें टर्शियरी देखना है। तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर टर्शियरी है, तो टर्शियरी होगा तो क्या होगा, टर्शियरी वाला सही क्या बनेगा, हैलोजन लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैलोजन, और छोटा वाला के साथ क्या लगा देंगे, अल्कोहल। तो टर्शियरी वाला में केस बदल जाता है, याद रहना चाहिए आपको कि टर्शियरी वाला केस में क्या होता है, बदल जाता है। चलो तीसरा, जो अभी जस्ट पढ़े थे, यहाँ पे कैसा इथर है, एराइल इथर है ना, तो एराइल इथर में कहाँ से तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे कि ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ऑक्सीजन से जब भी बेंजीन रिंग लगा होगा कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड मजबूत होता है, ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, जब भी तोड़ेंगे इधर से तोड़ेंगे। तो ओ के साथ क्या लग जाएगा, H, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हैलोजन। CH2 के साथ क्या लग जाएगा, आई, और इसके साथ क्या लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, फेनॉल बन गया।